हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा। बनाने वाले हैं हम पिज्जा। ये पिज्जा का बेस है और बेस के अलावा इसमें जो है जाएगा ये हमारा सॉस। ये अच्छे से इसको हमको लगाना है। घर पे ट्राई कर रहा है, जो बाटी बनाने वाला ओवन होता है उसी में इसको रख के कुक करेंगे। देखते हैं कैसा बनता है। इसको जो है अच्छे से लगाएंगे। थोड़ा सा और लगाते हैं। बाहर तो हमेशा खाया ही जाता है, कभी कभी घर भी ट्राई करना चाहिए। जीवन में सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ये पूरा अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम इस पे जो है प्याज डालेंगे। बारीक कटी हुई प्याज, मजा आता है। कभी कभी टाइम मिले तो ये सब बनाना चाहिए और जिसको पसंद होता है उसी को मजा आता है। बाकी तो दिक्कत ही होती है, लगता है बना बना मिल जाए बस खा लो। तो ये गया हमारा प्याज। और प्याज के बाद अब इसमें आएगा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च खूब अच्छे से इसको सजाएंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। ये पूरी तरह से इसको डेकोरेट कर दिया गया है। तो सजाने वाला काम बचा है दोस्तों। इसको टॉपिंग कहते हैं, जो उस डिजाइन इसमें पूरा डिजाइन क्या जो इसको सजाते हैं इसको टॉपिंग कहा जाता है।
इसके ऊपर अब स्वीट कॉर्न डालेंगे। कोशिश है अच्छी बने, अब देखिए बनने के बाद क्या होता है। देखने में कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओवन जो है गरम करने के लिए हमने गैस पे रख दिया है, वो हीट होता रहेगा, उसके बाद इसको ले जाके उसमें रखना है। ये मेरा पहला प्रयोग है, देखते हैं कैसा बनता है। अगर इसमें अच्छा बनेगा तो फिर अच्छी बात है, जब भी ज़रूरत होगी कम से कम अपने इच्छा अनुसार रूम पे बना के खाया जा सकता है। चीज को मैंने लाया था तो वो थोड़ी थोड़ा टाइम हो गया तो सॉफ्ट हो गया था, लेकिन हम फ्रीज में नहीं रखे उसको, तो इसलिए ये थोड़ा सा पिघलने लगा है। कोई नहीं, अभी इसको पिघलना ही है, जब बनेगा उसमें तो इस वजह से इसको हमने रखा नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो गई हैं। तो ये रहा पिज्जा, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब ये बनने के बाद कैसा होता है जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे। ये है ओवन और ये हो रहा है गरम, गरम लगभग हो चुका है। अच्छे से पकड़ के आराम से, गरम है, हीट हो गया है, हम इसको उतारेंगे। और ये हमारा गया, ये है ओवन में पिज्जा। तो आई होप कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। और इसको हम ढकेंगे कुछ टाइम के लिए, बनने के बाद मिलते हैं, गुड बाय। हेलो दोस्तों, देखिए हमारा फाइनल पिज्जा ये तैयार होके आ चुका है। देखने में अच्छा ही लग रहा है और अच्छा ही बना है, खा के ट्राई करते हैं कैसा है। ये कुछ इस तरह से बना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।